छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा जारी है। यात्रा में एक ओर कांग्रेस प्रदेश सरकार की कमियों को लोगों को गिना रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता कांग्रेस की न्याय यात्रा पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और बीजेपी सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर तंज कसा। आइए सुनते हैं कांग्रेस की न्याय यात्रा पर बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा है। सारी सीमा रेखाएं पार गए गए इन लोगों ने, और यही तो कारण है अच्छा काम किए हुए तो जनता इनको हटाती क्या। इसीलिए पहले अपने तरफ देखना चाहिए। न्याय यात्रा ये पहली बार नहीं निकाल रहे हैं ये, और जहां जहां ये अन्याय करते हैं वहां न्याय यात्रा के नाम से एक यात्रा निकाल देते हैं और उसका परिणाम जनता तुरंत दे देती है। लोकसभा में भी दे दी, झूठ बोला इन्होंने, एक नैरेटिव सेट करते हैं झूठ बोल के जनता के बीच और उस परिवार उस समाज के बीच जाते हैं। कांग्रेस अपने अंदरूनी कलह को दबाने के लिए, अंदरूनी लड़ाई को ठीक करने के लिए इस तरह का यात्रा निकाल रहे हैं। पहले वो अपने पार्टी से ही न्याय ले लें, बाद में बाकी बात करेंगे। ये न्याय यात्रा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की पद को बचाने के लिए है। वो अपने भीतर झांक करके देखें, जिन्होंने इस प्रदेश को भ्रष्टाचार के गर्द में ढकेला, जिन्होंने कोला घोटाला किया, जिन्होंने गोबर घोटाला किया, जिन्होंने पीएससी घोटाला किया, तब उस समय की कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी, वो केवल और केवल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की पद को अपने पद को बचाने के लिए ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जनता ने पहले विधानसभा चुनाव में नकारा, फिर लोकसभा में नकारा और अब उनको सब्र नहीं है, क्योंकि जैसे जल बिन मछली तड़पती है वैसे ही सत्ता बिन कांग्रेस तड़प रही है। और ये उनकी न्याय यात्रा नहीं है, जो उन्होंने 5 सालों में अन्याय किया जनता के साथ में उसका पश्चाताप यात्रा है।